भाईजान ये कौन सा इलाका है, ये कौन सी गली है, ये जरा ये बताएंगे आप? ये भाई से मालूमात लें। भाईजान ये कब से ये पानी आप देख रहे हैं ये गलियों में? एक महीने से ज्यादा हो गया है। जगह कौन सी? एक महीने से ज्यादा हो गया है। अच्छा, और पानी नहीं जा रहा है गटर का? अच्छा, ये कहाँ तक है ये? माशाल्लाह, हो होए, ये तो बहुत दूर तक पानी जमा हुआ है। सामने मस्जिद भी है, ये सामने सामने मस्जिद भी है ना, मस्जिद तक भी जा रहा पानी है। ओहो, और वो बच्चा डूबा हुआ है पानी में, वो स्कूटर उसकी पानी में डूब गई है। भाईजान मेरी ये आला उगाम से गुजारिश है ये कि देख लो बच्चा वो पानी में डूब गया है, वो पानी में उसकी बाइक डूब गई है। यहाँ पे ज़िंदगी अजीरन हो गई है लोगों की, चल नहीं सकते। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपकी तरह वो फटियाँ लगाई हुई है चलने के लिए, तो आप मेहरबानी करके इसको जो है शीशा को आप लवारिस ना समझो, इसको ये पानी निकालो, इसकी फौरी तौर पर निकासी करें ताकि आम लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो बहाल हो सके। लोग चल फिर भी नहीं सकते। बड़ी मेहरबानी भाईजान, तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है। ये जो पानी जो बह रहा है सामने आप देख रहे हैं, ये गटर का पानी है? जी जी। ये कितने दिन से ये आप? डेढ़ महीने से तकरीबन यही हाल बना हुआ है। डेढ़ महीने से ये हाल बना हुआ है। तो ये इसमें कोई सफाई करने के लिए कोई मशीनरी या कोई? बोलते हैं भाई आगे से बंदे पीछे से बंदे, आप पेमेंट लगवाओ, खुद करो, आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, ये तकरीबन एक महीने से ये ऐसा हो रहा है लेकिन पानी की निकासी नहीं हुई। और ये आने जाने वाले रोज दृष्टि विष्के सब गिरते हैं। किस दिन? उस दिन तकरीबन दो तीन दिन पहले जो है ना बच्चे का टांग भी टूट गया था। बच्चे का टांग? अच्छा हाँ, इधर हमारे सामने। अच्छा अच्छा, आप क्या कहते हैं किस चीज़ से? यही कहना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो उनको चाहिए कि जिम्मेदारों से आप गुजारिश कर रहे हैं? गुजारिश है अली अहमद भाई से, हमारी आसिफ खान साहब से। आसिफ खान साहब से वो तो बीच में आए थे आसिफ खान साहब, उन्होंने उर्दू बाजार क्लियर किया था लेकिन उर्दू बाजार भी आप जाके देख लें फिर। अच्छा, गटर का पानी तो ये से काम करें, मेहरबानी करें, बड़ी परेशानी है। अच्छा, आप माशाल्लाह आपका गोदाम ये है? आने जाने में कितना गाड़ी? हमारे रिश्तेदार हैं जो कार किराएदार है, कोई भी हमारे भाई है, सभी भाई है। सही, सब भाई है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह ये आपकी कैसे आ सकता है ये दिखाएं। अब आप देख रहे हैं, मैं मेरी गुजारिश है आला हुकाम से और खुसूसन आसिफ भाई आपसे और अली अहमद जान भाई आपसे और लियाकत अस्कानी भाई आपसे भी कि ये देख रहे हैं खुदारा के इस गली इस रोड का नाम क्या भाई? मदीना कांटा वाला ये रोड है शीशा का, बहुत कदीमी और बहुत गली नंबर 22 है, मदीना कांटा वाला रोड है और सामने मस्जिद भी है, ये पानी मस्जिद को भी जा रहा है और नमाजियों को भी नमाज पढ़ने में मुश्किलात जो है ना वो पेश आ रही हैं, लेडीज़ भी नहीं आ जा सकती है। लिहाजा ये सारे दुकानदारों की आपने बात भी सुन ली है और इनके मसाइल भी सुन लिए हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप फौरी तौर पर मशीनरी बुलवाएँ और यहाँ से जो है ना पानी की निकासी करवाएँ और पानी को यहाँ से निकलवाएँ और इस रोड को क्लियर करवाएँ, लोग बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।